बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, नौजवानों, माशाल्लाह आप तालीम याफ्ता हैं, आपने बहुत अच्छी तालीम हासिल की हुई है, आप बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, लेकिन देखना यह है कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं जो इससे पहले वीडियो मैंने लगाई थी, यूथ के हवाले से, आपकी एजुकेशन के हवाले से, आपके प्रोफेशन के हवाले से। माशाल्लाह आपकी तालीम, आपकी कबलियत, आपके टैलेंट में कोई डाउट नहीं है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अपने पेशे में बहुत महारत रखते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी। देखें, बहुत सारे लोगों ने मेडिकल में MBBS किया हुआ है, डॉक्टर बने हैं, लेकिन सब डॉक्टर नहीं चमके। बहुत सारे लोग सब डॉक्टरों को वैसी डॉक्टरी मरीज के साथ, उनके पास नॉलेज भी है, टैलेंट भी है, लेकिन मरीज के साथ उनकी वो अटैचमेंट नहीं होती जो होनी चाहिए, अपने प्रोफेशन के साथ उनके वो इंटरेस्ट नहीं होता। कबलियत अपनी जगह पे होती है, टैलेंट अपनी जगह पे होता है, इंटरेस्ट अपनी जगह पे होता है, जिसकी वजह से एक MBBS FCPS डॉक्टर उसके पास लाइने लगी होती है, दूसरे के पास इकड़ दुकड़ मरीज होता है। यानी हर आदमी डॉक्टर तो बन जाता है, लेकिन डॉक्टरी करना किसी किसी को नसीब होती है। इसी तरह हर आदमी, बहुत सारे लोग हमारे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, मुख्तलिफ शोबा जात के एक्सपर्ट हैं, उनके नॉलेज, उनकी तालीम, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं, वो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन पढ़ाना किसी किसी को आता है। अपना इल्म, अपना नॉलेज, अपने जो है ना मेथड, वो शेयर करना, अपने नॉलेज ट्रांसफर करना, अपना नॉलेज बांटना, बच्चों को, स्टूडेंट को एंगेज करना, ये हर आदमी के पास का बात नहीं है। ये नहीं कि जिसको बिठा दें चेयर पर वो टीचर बन जाएगा। पढ़ाना एक आर्ट है, मेडिकल एक आर्ट है, इसी तरह ये शोभा, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग बहुत सारे लोग करते हैं। आपने बाकी ग्राफिक की हुई है, आपने बाकी कैनवा किया हुआ है, आपने बाकी यूट्यूब का काम किया हुआ है, लेकिन हर आदमी इसमें एक्सपर्ट नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हर आदमी उस तरीके से नॉलेज शेयर नहीं कर सकता, उस तरीके से नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर सकता जिस तरीके से स्टूडेंट की डिमांड होती है, जिस तरीके से स्टूडेंट को डिलीवर होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की टेक्निक दूसरे आदमी से मुख्तलिफ होती है। हर आदमी में अल्लाह ताला ने सहलियत दूसरे से मुख्तलिफ इनफरादी बनाया है मालिक ने हर आदमी को। हर आदमी टीचिंग के लिए नहीं, हर आदमी टेक्निकल के लिए नहीं, हर आदमी ऑनलाइन के लिए नहीं, हर आदमी डॉक्टरी के लिए नहीं, हर आदमी को अल्लाह ताला ने अलहदा अलहदा प्रोफेशन के लिए तख्लीक किया है, और उसमें सहलियत भी है। आप जहाँ भी हैं बहुत अच्छे हैं। मैं आपके प्रोफेशन की, आपके टैलेंट की, आपकी क्वालिफिकेशन की दाद देता हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस शोबे में भी हैं कोशिश करें उसमें आप इतना इंटरेस्ट दिखाएं, इतना उसमें अपना नॉलेज बढ़ाएं कि आपका उस शोबे के टॉप 10 में शुमार होना चाहिए। टॉप 10 में अगर आप शुमार होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो टॉप 10 में शामिल होने की कोशिश करें। अगर कॉमन लोगों वाला रवैया रखेंगे टीचिंग में, पढ़ाने में, सिखलाने में, तो आप कॉमन लाइफ गुजारेंगे, आपकी अर्निंग भी कॉमन लोगों वाली होगी। अगर आप बहुत ग्रो करना चाहते हैं, बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को, उसको पॉलिश करें, उसको मजीद बेहतर बनाए। हमारा ये इदारा, इसमें तमाम लोग, मुख्तलिफ शोबा जात के लोग शामिल हैं। हमारे टीम में ग्राफिक के एक्सपर्ट भी अला दर्जे के हैं, वेब के एक्सपर्ट भी अला दर्जे के हैं, फ्रीलांसिंग के एक्सपर्ट भी हाई क्वालिफाइड हैं। हर शोबे के लोग बहुत डिवोटेड और मुखलिस हैं। इसी वजह से ये इदारा पूरे शहर में, पूरे जनूबी पंजाब में ट्रस्ट वस्ती इदारा शुमार किया जाता है, और इसका एक नाम है।